बच्चों, आज के हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम वर्ड प्रोसेसर ओपन करके उसमें किस प्रकार से हम जो इंसर्ट ऑप्शंस हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने जाना था पिछली कक्षाओं में कि किस प्रकार से हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कैसे उसमें फॉर्मेटिंग और एडिटिंग करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि इंसर्ट के द्वारा हम क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि हम किसी भी प्रकार का डायग्राम बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोई पेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम तरह तरह के सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, या हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल के अंदर अपना डेटा अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनको हम देखते हैं आज, और इंसर्ट के अलावा और क्या क्या फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसर के वो भी हमें जानने हैं। तो चलिए वर्ड प्रोसेसर ओपन करते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम चुनेंगे वर्ड प्रोसेसर। अब जैसा कि आपको पता ही है, बेसिक कमांड्स न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे कमांड्स आप पढ़ते आ रहे हैं। नोटपैड में भी इनको हमने देखा था। आप कोई भी अपनी फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर जो अभी अपने हाल ही फाइल्स खोली हुई हैं वो दिखाई दे रही हैं, आप उनको ओपन करके देख सकते हैं, राइट। तो ये हमने टेबल बनाई थी, टेबल में अपना डेटा हमने अरेंज करके देखा था, और टेबल को मर्ज करना या स्प्लिट करना ये सब चीज़ें भी हमने देखी थी कि सेल्स को चुनकर हम उसे मर्ज कर सकते हैं, या फिर एक सेल को अन्य सेलों में, कई सेलों में विभाजित कर सकते हैं। इस तरह से अपने डेटा को हमें जैसे भी अरेंज करना हो किया जा सकता है, राइट। कवर पेज इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें हमने करी थी, राइट। पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं हम किसी फाइल से या फिर क्लिप आर्ट से। क्लिप आर्ट क्या है? क्लिप आर्ट के अंदर हमें मिलती हैं अलग अलग कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज से हम चुन सकते हैं तरह तरह की पिक्चर्स, जो भी हमें इंसर्ट करनी है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। और क्लिप आर्ट से केवल पिक्चर्स ही नहीं, हम अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स, मूवीज, साउंड्स, फोटोग्राफ्स, सभी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड आपके एक पैनल ऐड हो जाता है क्लिप आर्ट का, जिसमें आप सर्च कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिया सर्च फॉर बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग रिलेटेड जितनी भी इसमें फाइल्स हैं वो आ जाएंगी। अब आपको किस तरह का कलेक्शन सर्च करना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको क्लिप आर्ट चाहिए, आपको फोटोग्राफ्स चाहिए, आपको मूवीज सर्च करनी है, या कोई साउंड आपको ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये सारी चीज़ें भी आप सर्च करके डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया लेट से बर्ड, अब आपको लेट से केवल साउंड्स रिलेटेड इसमें चाहिए, तो आप उस तरह का लेकर और गो पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अगर उसमें कोई इस तरह की साउंड्स या मूवीज हैं अवेलेबल तो यहाँ पर आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी, राइट। इसी प्रकार से हमने देखा था शेप्स, शेप्स के अंदर आप क्लिक करते हैं तो एरो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी कुछ आपको बनाना है, एलिप्स, जैसे तरह तरह के जो डायग्राम्स बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, उसमें विभिन्न ऑब्जेक्ट्स काम में आते हैं, विभिन्न तरह की शेप्स काम में आती हैं, तो वो आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। आपको फ्लो चार्ट बनाना है, राइट, तो फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं वो आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। तरह तरह की जो डायग्राम्स हैं उनमें जो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको किसी भी तरह का चार्ट बनाना हो, कोई भी तरह का आपको डायग्राम बनाना हो, आप यहाँ से शेप्स को इंक्लूड कर सकते हैं। पिछली कक्षा में जाते जाते लास्ट में हमने बात की थी ग्रुपिंग की, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई चार्ट बनाया या कोई भी आपने डायग्राम बनाया। चलिए यहाँ पर एक बनाकर आपको दिखाते हैं कि ग्रुपिंग क्या होती है और उसकी क्या उपयोगिता है। एक नया पेज हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। ये देखिए शेप्स पर हम गए, यहाँ से लेट से हमने एक ये शेप हमने इंक्लूड करी, उसके बाद हमने एक एरो बनाया, हम्म,
राइट। अब यहाँ पर आप इन चीजों को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करते थे, आप कट कॉपी पेस्ट जो भी कुछ आपको करना है कर सकते हैं। जैसे ये एरो है, मान लीजिए ऐसा एक और चाहिए मुझे, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट किया आपने, देखिए एक और एरो आ गया। अब इस तरह से ड्रैग करके आप इसको अरेंज कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं, किसी और डायरेक्शन में इसको घुमा के आप लगाना चाहें तो वह चीज़ भी पॉसिबल है। ये देखिए इस तरह से, राइट। फिलहाल इसको डिलीट करते हैं हम यहाँ पर। अब मान लीजिए हमने एक और शेप इंक्लूड करी इसमें, अपने डायग्राम को आप पूरा बनाएंगे, जो भी इसमें आप ऑब्जेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। कभी भी इन ऑब्जेक्ट को, जैसे इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए आप इसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसकी आपको साइज स्टाइल कुछ भी चेंज करनी है वो चीज़ की जा सकती है। और आप एरो कीज की सहायता से भी इस ऑब्जेक्ट को, इस शेप को ऊपर नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और अगर छोटा करना है तो क्या करेंगे, ये जो एजेस पर हमें दिख रहा है इसके, उनको ड्रैग करके हम इसकी जो साइज है वो छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, राइट। जैसे आपको लगे कि ये एरो हमने काफी बड़ा बना दिया, आपको इसको छोटा करना है तो ड्रैग करके आप इस तरह से इसको छोटा कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें कभी भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप जो भी कुछ इसमें लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट आप इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें भी आप हर प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको सेंटर में करना है टेक्स्ट को, टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, या जो भी फॉर्मेटिंग्स आपको अप्लाई करनी है, इसका कलर वगैरह आपको डिफाइन करना है तो वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं, देखिए इस तरह से, राइट। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है, राइट क्लिक करिए और ऐड टेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए जो भी कुछ हमें इसके अंदर लिखना है या जो भी कुछ चीज़ें हमें करनी है हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इस जो हम टेक्स्ट जोड़ा है उस पर हर प्रकार की फॉर्मेटिंग की जा सकती है, अलाइनमेंट से लेकर फॉन्ट साइज बढ़ाना घटाना की सारी फॉर्मेटिंग्स हम कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज डायग्राम्स बनाए जाते हैं। चलिए इसको फटाफट से पूरा करके ग्रुपिंग की बात को समझते हैं कि ग्रुपिंग क्या चीज़ है। ये देखिए अब एक और हमने यहाँ पर कर दिया, ऐड करा हमने टेक्स्ट और हमने यहाँ लिख दिया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस पे फॉर्मेटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज बनाई जाती है। मान लीजिए हमारा जो डायग्राम है वो पूरा हो चुका है। चलिए एक दो चीजें और इसमें जोड़ते हैं जिससे ये कंप्लीट डायग्राम आपको नजर आए। ये हमने लिया। अब मान लीजिए देखिए एक अलग तरह का इसमें बॉक्स बना के देखते हैं, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अलग अलग शेप्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं और इसमें आप टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग आपको जैसी भी करनी है वो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इस पर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। और इसका जो भी आपको अलाइनमेंट वगैरह सेट करना है वो इस तरह से आप करेंगे। और लास्ट में हम इसमें एक और एरो लगाकर इसको खत्म कर रहे हैं डायग्राम को। तो एक्चुअल में जब चीज बनती है तो वो बड़ी होती है, उसमें कई तरह की चीजें होती हैं। और अब मान लीजिए कहीं पर भी मुझे ये डायग्राम चाहिए
तो इसको पूरे डायग्राम को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए कंप्लीट डायग्राम हो गया, राइट। ये डायग्राम हमारा पूरा हो गया है। अब क्या है इसमें, ये एलिप्स एक अलग चीज है, ये एरो एक अलग है, ये जो हमने एक रेक्टेंगल बनाया ये अलग है, सारे ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि ये जो कंप्लीट हमारा डायग्राम है ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की जैसे ट्रीट नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या है कि अब यही डायग्राम मान लीजिए हमें कहीं और भी चाहिए, या इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने हैं, एज इट इज हमें ये दूसरी जगह पे चाहिए, दूसरे पेज में चाहिए, तो क्या करें, दोबारा बनाएं इस पूरे डायग्राम को? तो जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो दोबारा कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम पहले से किया हुआ है उसको आप कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको उसे रखना हो। तो इसी तरह से ये जो डायग्राम है इसे भी आप कॉपी कर सकते हैं पूरे को, लेकिन अभी इसको कॉपी किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें यह समस्या है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ये डायग्राम एक सिंगल पिक्चर की जैसे ट्रीट नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक एरो है, चार एरो हैं, दो उसमें रेक्टेंगल्स हैं, दो एलिप्स हैं, ये सब अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए और इनको कर दीजिए ग्रुप। ग्रुप कर देंगे तो क्या होंगे, ये सब एक ही ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाएंगे, ये एक कंप्लीट पिक्चर में चेंज हो जाएगी। देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये देखिए ये हमने चुन लिया इस एलिप्स को, फिर हमने कंट्रोल कुंजी दबा रखी है और ये जो सारे बॉक्सेस हैं इनको भी हम चुन रहे हैं, एरोस को, सारे जितने भी आपके ये हैं इनको आपको चुनना है। कंट्रोल कुंजी दबा के रखेंगे, एक प्लस का साइन आपको मिल रहा है और उस प्लस के साइन की वजह से आप ये मल्टीपल सिलेक्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए ये सारा यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये सारा हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स जो अलग अलग बॉक्सेस वगैरह थे, शेप्स थी, सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने पर आपको शॉर्टकट मेन्यू जो आ रहा है उसमें एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुपिंग आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए ग्रुपिंग, ग्रुपिंग पे गए, यहाँ ऑप्शन है ग्रुप, तो चलिए ग्रुप पे क्लिक करते हैं, ग्रुप पे क्लिक कर दिया। अब क्या हो चुका है, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें जो अलग अलग शेप्स थी ये सब ग्रुप हो गई हैं। आप देखिए किसी भी चीज़ को आप ड्रैग करिए, ये देखिए पूरा का पूरा डायग्राम ही ड्रैग हो रहा है। मैंने इस रेक्टेंगल पे क्लिक किया और इसको ड्रैग किया तो पूरा डायग्राम ड्रैग हो रहा है, अकेला ये रेक्टेंगल नहीं हो रहा। पहले क्या हो रहा था कि अगर मैंने ये रेक्टेंगल चुना और इसको ड्रैग किया तो अकेला यही ड्रैग होता, लेकिन अब ये सब ग्रुप हो गए हैं, आप इसमें जो भी कुछ करेंगे वो पूरे डायग्राम पे अप्लाई होगा। ये देखिए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट करने का ना कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिया हमने कहा कंट्रोल सी, चलिए अब ऊपर चलते हैं एक बार, राइट, और यहाँ पर करके देखते हैं, ये यहाँ आ गए हम, यहाँ पर करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर पेस्ट हो गया ये, और एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर या एक एलिप्स या एक एरो नहीं कॉपी पेस्ट हुआ है, पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पर आ गया। ऐसा क्यों हो पाया, कई बार बच्चे क्या करते हैं डायग्राम बना लेते हैं, ग्रुप करते नहीं हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, एक रेक्टेंगल कहीं, एक रेक्टेंगल कहीं, एक शेप कहीं, एक शेप कहीं। तो आपको इसको क्या करना होगा, ग्रुप करना होगा। कोई भी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के जो विभिन्न ऑब्जेक्ट्स हैं, विभिन्न शेप्स हैं, एरो तक पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ग्रुप कर दीजिए। तो ग्रुप करने की से क्या हुआ, हमारा पूरा डायग्राम एक सिंगल ऑब्जेक्ट की जैसे हो गया और अब इसको हम कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है ग्रुप।
अब मान लीजिए कभी भी आपको लगता है कि नहीं नहीं इसके मुझे चीजों को चेंज करना है, इस डायग्राम को चेंज करना है, तो आप मान लीजिए इसकी कॉपी आपने निकाल ली, अब आप इसको यहाँ पर अगर चेंज करना चाहें तो आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। ये देखिए ग्रुपिंग, पिक्चर को आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ग्रुपिंग जो ऑप्शन आ रहा है उस ग्रुपिंग ऑप्शन में आपको मिलेगा, ये देखिए ये राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने पे आपको मिलेगा ग्रुप। यहां पर आ रहा है ग्रुपिंग और ग्रुपिंग में ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप। अब अभी ग्रुप जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड नहीं है। कौन सा ऑप्शन हाईलाइटेड है? अनग्रुप, यानी कि ऑलरेडी हमारा जो पिक्चर्स है ग्रुप किया हुआ है, आप उसको अनग्रुप कर सकते हैं। चलिए अनग्रुप करके देखते हैं। अनग्रुप कर दिया हमने, अनग्रुप कर दिया तो अब सारे जो शेप्स थी वो सब अलग अलग हो गई हैं। आप देखिए मैंने इस इधर क्लिक किया तो केवल ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ है। अब अगर मैं ड्रैग करूंगी तो क्या होगा? ड्रैग करने पर ये देखिए ये रेक्टेंगल बाहर निकल कर आ गया, तो अनग्रुप हो चुका है। अब सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आप में अलग अलग हैं, राइट? आप इसमें मॉडिफिकेशंस करने के बाद इसको वापस से क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए सारे कंट्रोल कुंजी दबा के रखिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए क्लिक कर करके और फिर वापस से ग्रुप कर दीजिए। तो ये चीज़ कहलाती है ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। अनग्रुप करके वापस से चेंजेस कर सकते हैं, आपको कुछ भी जैसे छोटा बड़ा करना है ये देखिए तो आप कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, ठीक है? तो इंसर्ट में हमने देखा, टेबल हमने इंसर्ट कर ली, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, ये सारी चीज़ें हमने इंसर्ट कर ली। इसके अलावा अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है हेडर एंड फुटर। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि हेडर फुटर होते क्या हैं। देखिए बच्चों आपने बुक्स में देखा होगा क्या होता है बुक्स में, कि हर एक पेज पर पेज का नंबर लिखा रहता है, राइट? या चैप्टर का नाम लिखा रहता है, जैसे चैप्टर शुरू हो रहा है तो चैप्टर का नाम लिखा रहता है, चैप्टर का नंबर लिखा रहता है। हर एक पेज पर नीचे पेज नंबर आता रहता है, या मान लीजिए जो बुक का नाम है वो लिखा हुआ होता है हर एक पेज पर। तो वह चीज़ कैसे करें? यानी कि कोई चीज़ हमें ऐसी करनी है जो सभी पेजेस में कॉमन चलेगी या सेक्शन वाइज चलेगी। तो इसके लिए आप हेडर फुटर अपने इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। हेडर क्या होता है? पेज के टॉप पे आप जो चीज़ें दिखाना चाहते हैं वो आती हैं हेडर पार्ट में, और पेज के लास्ट में यानी कि बॉटम में आप जो चीज़ें दिखाना चाहते हैं वो आती हैं फुटर में। तो हेडर होता है पेज के टॉप पर और फुटर होता है पेज के नीचे यानी कि बॉटम पे। और इसमें हम जो भी चीज़ इंक्लूड करते हैं वो हर एक पेज पर दिखाई देती हैं। आपको हर एक पेज पर जाकर बुक का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने हेडर इंक्लूड करा और हेडर में लिख दिया आपने बुक का नाम, तो वो हर एक पेज पर दिखेगा। इसी तरह से अगर आपने पेज नंबर डाल दिया तो पेज नंबर अपडेट होके अपने आप हर एक पेज पर दिखाई देगा। तो हेडर एंड फुटर के द्वारा आप इस तरह से अपने जो अलग अलग पेजेस हैं उस पर आप अपना कोई भी मटेरियल दिखाना चाहें, आप डॉक्यूमेंट के ऑथर का नाम बताना चाहें, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद देखेंगे कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर इंसर्ट किया जाता है।
चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम जानते हैं कि हेडर फुटर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जब आप हेडर फुटर का जो ऑप्शन है उसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप हेडर ऑन किया आपने या फुटर ऑन किया, दोनों ऑन किए, हेडर आपको दिखेगा पेज के टॉप पर और फुटर कहाँ दिखेगा, पेज के लास्ट में। एक किसी भी पेज में आप हेडर पे जो भी लिख देंगे वो आपको सभी पेजेस में नजर आएगा। और कुछ फील्ड्स हैं यहाँ पर जैसे पेज नंबर, डेट एंड टाइम, ये अपने आप अपडेट होंगी। जैसे पेज नंबर है वो हर एक पेज के साथ अपडेट होगा। आपने कहीं पर भी इसको ऑन कर सकते हैं, जैसे अभी हम फिफ्थ पेज पर हैं मान लीजिए और मैं हेडर फुटर ऑन कर दूं, क्योंकि ये तो सभी पेजेस पर आएगा तो उसी तरह से आपको दिखाई देगा। चलिए करते हैं इसको इंक्लूड। देखिए यहाँ इंसर्ट में है हेडर एंड फुटर सेक्शन, तो ये हेडर के ऑप्शंस हैं, इधर हमारे पास फुटर के ऑप्शन है, उसके साथ ही है पेज नंबर। अगर हमें हेडर फुटर पे पेज नंबर इंक्लूड करना है तो उसके भी कई सारे फॉर्मेट्स हैं। और यहाँ पे आपको जो ये एरोज दिखाई दे रहे हैं इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर के कई फॉर्मेट्स भी हैं, आप खुद भी पूरा हेडर डिजाइन कर सकते हैं कि कहाँ आपको क्या चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद बता सकते हैं कि हेडर पे क्या आना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, ये चीज दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये जो फॉर्मेट है इसमें ब्लैंक हेडर है, यहाँ पे थ्री कॉलम्स का हेडर है, या इस तरह का हेडर चाहिए, आपको किस तरह का हेडर चाहिए आप खुद यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम एक ये हेडर इंक्लूड करते हैं। ये हेडर हमने ऑन किया, अब यहाँ पर देखिए आपके पास हेडर एंड फुटर के टूल्स भी आ गए हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर जैसे लिखा हुआ आ रहा है वर्ड प्रोसेसर, इसकी जगह आप कुछ भी लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं और वो चीज आपको हर एक पेज पर नजर आएगी, राइट। अब चलिए फुटर पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए आप हेडर एंड फुटर टूल्स में एक टूल आ रहा है गो टू फुटर, गो टू फुटर पे हमने क्लिक किया, ये हम फुटर पर आ गए। अब मान लीजिए यहाँ हमें पेज नंबर डालना है, तो ये पेज नंबर के फॉर्मेट्स हैं, टॉप ऑफ द पेज आप इंक्लूड करना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द पेज, कहाँ इंक्लूड करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया बॉटम ऑफ द पेज, इसमें भी अलग अलग अलाइनमेंट्स हैं कि आपको कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट आप ले सकते हैं। ये देखिए हमने क्लिक किया पेज नंबर पे, ये पेज नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पेज है तो सेकंड दिखाई दे रहा है। आप हर एक पेज पर जब इसको देखेंगे अपडेटेड आपको मिलेगा। अब हेडर फुटर पे आप बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल के लिए कोई फाइल बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि स्कूल की कोई फोटो लोगो के रूप में आती रहे या स्कूल का जो लोगो है वो लिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हेडर सेक्शन में आप क्या डाल सकते हैं, स्कूल का लोगो, तो उससे क्या होगा हर एक पेज पर वह दिखाई देगा। इसी तरह से जो भी टाइटल आपको डालना है या जो भी चीजें आपको डालनी है वो हेडर पर डाली जा सकती हैं। ये देखिए हमने पेज स्क्रॉल करके देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही टाइटल हमें नजर आ रहा है, आप इस टाइटल को चेंज करेंगे, एक जगह कहीं पर भी चेंज करेंगे। चलिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, ये हमने कर दिया, राइट। अब आप किसी भी पेज पर जाएंगे आपको यही टाइटल नजर आएगा। और इसी प्रकार से फुटर पे हमने पेज नंबर डाला है तो वो पेज नंबर लिखा हुआ आएगा। आप ऑथर का नेम या कोई और फील्ड भी डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि ये सब चीजें अपडेट होकर आएंगी, या आपने कोई टेक्स्ट डाला है, जैसे यहाँ हमने टेक्स्ट डाला क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, तो ये हर एक पेज पर दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो टूल्स हैं इन पे एक नज़र डालते हैं, हेडर एंड फुटर के टूल्स हैं। आप हेडर का कभी भी कोई भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो, फुटर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं जिस भी प्रकार का आप चाहें, पेज नंबर का फॉर्मेट आपको चेंज करना हो या फॉर्मेट करना हो पेज नंबर तो वो चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम चाहते हैं हेडर या फुटर पे
राइट यहाँ पे हम चाहते हैं कि डेट एंड टाइम आता रहे, तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डेट एंड टाइम, या जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। राइट पिक्चर पे हमने क्लिक किया और कोई पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी होगी, लेट से कोई ये पिक्चर है वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। राइट अब आपको इसको जिस भी साइज का दिखाना है आप उस प्रकार से इसको कर लीजिए, और जो भी चीज़ें आप इसमें और इंक्लूड करना चाहते हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। फुटर पे जाकर, गो टू फुटर का जो टूल है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फुटर पे आ जाएंगे। चलिए अब इसको क्लोज करें हम। यहाँ पर हमारे पास और भी टूल्स हैं जिनसे हम हेडर की डिस्टेंस, फुटर की डिस्टेंस बॉटम से, ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं हम, क्लोज हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर अभी तक हम एडिटिंग मोड में थे, हेडर एंड फुटर के हम उसका फॉर्मेट, उसकी एडिटिंग कर रहे थे। अब वो कंप्लीट हो गया कार्य, हमने क्लोज एंड हेडर पर, क्लोज हेडर एंड फुटर टूल पर क्लिक कर दिया। ये देखिए क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, जो हमने हेडिंग डाली थी वो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर हमें पेज नंबर दिखाई दे रहा है 2, नीचे हम गए तो पेज नंबर आ रहा है 3। तो इस तरह से हर एक पेज पर अपडेटेड आपको दिखाई देगा, और कभी भी आप इसको फॉर्मेट करना चाहें। देखिए डबल क्लिक किया हमने फुटर पर और ये फुटर एडिटिंग मोड में हम आ गए हैं हेडर एंड फुटर के, और इस तरह से अब इसको कभी भी एडिट किया जा सकता है, आप चेंजेस इसमें कर सकते हैं। राइट तो ये है हेडर एंड फुटर, जो कि आपके टेक्स्ट को, आपका जो कंटेंट है, हेडिंग्स हैं, पेज नंबर्स हैं, डेट एंड टाइम है, या ये कोई भी टेक्स्ट आप चाहते हैं रिपीटेडली हर एक पेज पर आए, आपको खुद ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज पर हम डालें और बाकी पेजेस पर वो अपडेटेड आए। जैसे कि सबसे बेस्ट इसका उदाहरण है कोई बुक आप बना रहे हैं, कंप्यूटर में बुक बना रहे हैं, 100 पेज की आपकी बुक है, अब हर एक पेज पर जाकर खुद पेज नंबर डालना ये प्रॉब्लमेटिक होगा। फिर मान लीजिए आपने दो पेज के बीच में कोई एक तीसरा पेज डाल दिया, आपने पेज नंबर डाल दिया 1, 2, 3, 4। अब अगर आपने सेकेंड और थर्ड पेज के बीच में कोई पेज डाल दिया तो क्या होगा? अगर आपने मैन्युअली पेज नंबर्स डाले हैं तो वो सारे पेज नंबर्स अपडेट करने होंगे, जो कि एक मुश्किल काम हो गया। तो आप ये सब चीज़ें इन टूल्स के द्वारा करिए, हेडर एंड फुटर सेक्शन में करिए और पेज नंबर इंक्लूड करिए। अगर इससे आप कभी भी बीच पेज, कोई भी पेज बीच में इंसर्ट करते हैं या कोई पेज डिलीट करेंगे आप, अपने आप सब चेंजेस हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पेज नंबर्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है पेज नंबर 2 और इसके नीचे आ रहा है पेज नंबर 3। राइट यहाँ पे हमने टेबल बना रखी है, ये टेबल हमारे कौन से पेज पर है? पेज नंबर 3। चलिए अब हमने मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ इंक्लूड करना है, और यहाँ पर आके हमने कह दिया कंट्रोल एंटर, यानी कि हमने एक नया पेज इंसर्ट कर दिया। ये देखिए ये हमारा सेकंड पेज था, फिर हमने एक पेज इंसर्ट किया, ये ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है, और ये जो टेबल वाला हमारा पेज था ये हो गया है अब पेज नंबर 4। और ये देखिए फुटर सेक्शन में जो पेज नंबर हमने डाला था वो अपने आप अपडेट हो गया, पेज नंबर 4 हो गया। इसी तरह से अगर मैं इस पेज को डिलीट कर दूं, लेट से इस पेज को हम डिलीट कर देते हैं, ये देखिए अब अपने आप यहाँ पर पेज नंबर अपडेट हो गया 3। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो जाएंगी और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट में हम देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं। हेडर एंड फुटर हमने देख लिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपको डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखना है, मान लीजिए आप इसके द्वारा कोई कार्ड बना रहे हैं या कोई ऐसा फाइल बना रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए जिसमें आप सजाते हुए कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कुछ बर्थडे मैसेज लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के द्वारा आप इंसर्ट कर सकते हैं डेकोरेटिव टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में। ये देखिए क्लिक करा हमने इस पर, ये विभिन्न प्रकार के, विभिन्न फॉर्मेट्स के हमें टेक्स्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद आता है आप उसको चुन लीजिए। चुनने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट, तो ये हमने लेट से कोई
मैसेज हमने लिखना है वो मैसेज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने सिंपल से यहाँ हैप्पी बर्थडे लिखा है, इसका फॉन्ट वगैरह कुछ आप बताना चाहें तो वो आप बता सकते हैं। ओके किया, ये देखिए यहाँ पर ये इंक्लूड हो गया है, जहाँ आपका कर्सर होता है वहीं इंक्लूड होता है, आपको पता है ये हैप्पी बर्थडे यहाँ आ गया। आप इसको बड़ा छोटा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट करना चाहें सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। ये देखिए इसका फॉर्मेट कभी भी आपको चेंज करना है तो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, ये अलग अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं यहाँ पे। वर्ड आर्ट हमने क्लिक किया हुआ है तो इसके विभिन्न ऑप्शंस ये देखिए, ऐसा लिखना चाहें, इस तरह से आप लिखना चाहें, या जो भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं ये देखिए, किसी भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, लिखने के बाद कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए राइट, तो जो भी फॉर्मेट आपको लेना है बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, और इस पे विभिन्न प्रकार के अफेक्ट्स डाले जा सकते हैं लाइक शेडो अफेक्ट्स या 3D अफेक्ट्स आप इस पे डालना चाहें, इसको रोटेट करना चाहें अपने अनुसार, वो चीज आप कर सकते हैं। राइट, तो क्लियर है सभी को कि वर्ड आर्ट क्या है। वर्ड आर्ट के द्वारा हम डेकोरेटिव टेक्स्ट अपने फाइल में अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है डेट एंड टाइम, कहीं पर भी आपको टाइप करते वक्त लगे कि मुझे यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, ये देखिए डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, विभिन्न फॉर्मेट्स आ रहे हैं हमारे पास, हम जिस भी फॉर्मेट को चुनेंगे ओके करेंगे उस तरह का ये डेट एंड टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। आप इसे हेडर फुटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं और आपके जो कंटेंट है आपका जो डॉक्यूमेंट है पैराग्राफ है उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा कई ऐसे सिंबल्स होते हैं बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर पाई का सिंबल दिखाना है, कोई इस तरह का सिंबल दिखाना है जो आप खुद नहीं लिख सकते या जिसके लिए आपके पास कीबोर्ड में कुंजी ऐसी नहीं है, कोई ऐसी की नहीं है जिसके द्वारा आप लिख सकें, जैसे इन्फिनिटी का सिंबल आपको दिखाना है, या जो अलग अलग करेंसी हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो आपको दिखाना है। मान लीजिए आप रुपीज लिख रहे हैं, आपको RS करके नहीं लिखना, आपको उसका सिंबल जो होता है वो दिखाना है, या किसी और करेंसी का दिखाना है। ऐसे कई सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं हैं, उनको लिखने का तरीका हमारे पास नहीं है कि कैसे उनको लिखें, तो ऐसे जो स्पेशल सिंबल्स हैं यहाँ पर इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट सिंबल्स, ये देखिए सिंबल, इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ आपके पास कई सारे सिंबल्स आ रहे हैं, या फिर आप सिंबल के इस पे क्लिक करिए, ये देखिए मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जहाँ पर आपको वह तमाम सिंबल्स मिलेंगे जो कीबोर्ड में आपके पास नहीं है या फिर आपके पास कोई तरीका नहीं है उनको लिखने का। ये देखिए एरोज भी हैं कई तरह के, या जैसे आपको 5x6 लिखना है, 1x8 लिखना है, ये देखिए ओम का साइन है, ट्रेडमार्क का सिंबल है, रजिस्टर्ड का सिंबल है, कॉपीराइट का सिंबल है, कई तरह के सिंबल्स हैं ये देखिए जो आप इंसर्ट करना चाहेंगे तो वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप मैथ्स में कई बार होता है कई तरह के सिंबल्स होते हैं, इक्वेशन आप कोई लिख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग भाषाओं में आप जब लिखते हैं तो आपके पास अलग अलग तरह से जो सिंबल्स हैं कई वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये अलग अलग सिंबल्स आ रहे हैं जिनके द्वारा आप करेंसीज को दिखाने के लिए, जैसे कॉपीराइट का सिंबल है या अल्फा बीटा इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी हैं, तो म्यू का साइन है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, क्लिक करना है और इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, ये देखिए इंसर्ट हो गया। ये सिंपल टेक्स्ट है, आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, और इसको कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी कि भाई कहीं पर आप अटक गए कि इस तरह का सिंबल इंसर्ट करना है तो सिंबल से इंसर्ट कर लीजिए, अलग अलग प्रकार की पिक्चर्स के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, इससे हर एक पेज पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होके आपको मिलेगी। राइट,
तो हमने होम टैब पर जो जो अलग ऑप्शंस हैं उनको समझ लिया, इंसर्ट हम क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स वो हमने देख लिए, राइट। अभी हमें वर्ड प्रोसेसर में और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं जिन्हें हमें समझना है। तो आगे आज समय पूरा हो गया है, आगे की कक्षाओं में हम जानेंगे कैसे और किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। बस इतना ही, थैंक यू।